हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, जो एक यूएस और ईरान के बीच में एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हमेशा बनी रहती है। इन दोनों के रिलेशन आखिर इतने खराब क्यों हैं, उसके पीछे हिस्ट्री क्या है, उसके रूट कॉजेज क्या है, उन सबको समझने की आज कोशिश करेंगे। बहुत सारे हिस्ट्री के ऐसे पेजेस हैं जिन्हें हम अनफोल्ड करेंगे, तो उन सबको समझने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। आई होप कि आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इस कॉन्फ्लिक्ट के रीजन पता लग सके। तो वेलकम टू द लुमिनेंट आईएएस एकेडमी, आई एम मीना भारद्वाज। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये न्यूज में क्यों है। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ओवरनाइट स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया बगदाद में, और ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी को 3 जनवरी को मार गिराया। कहा जाता है कि जो सुलेमानी थे वो सेकेंड मोस्ट पावरफुल पर्सन थे ईरान के, एंड आयतुल्ला अली खमनई, जो कि एक सुप्रीम लीडर माने जाते हैं ईरान के और ईरान के इन्फ्लुएंस में, बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस में उनका बहुत बड़ा रोल था। तो उन्हीं के साथ, उन्हीं के बाद जो कासिम सुलेमानी है उनको बहुत ही पावरफुल लीडर माना जाता था। एक तरह से ये मिलिट्री कमांडर थे कर्ड फोर्स के। अगर हम बात करें कि कर्ड फोर्स की, तो एक तरह से कर्ड फोर्स जिसे आईआरजीसी भी कहा जाता है, इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स, वो ईरान के फेवर में काम कर रही थी। एंड ईरान के बढ़ते हुए प्रभाव का अगर रीजन माने तो उसमें जो कासिम सुलेमानी और आयतुल्ला अली खमनई, उनका बहुत बड़ा रोल माना जाता है। तो इस एयर स्ट्राइक के बाद से ही यूएस के अगेंस्ट हो गया था ईरान, और वहां के लोग एक तरह से उनमें रिसेंटमेंट पैदा हो गया था, और वो चाहते थे कि एक तरह से ये बहुत बड़ा वायलेंस का रीजन बन सकता है, और इसे असासिनेशन का नाम दिया कि यूएस ने ये बहुत बड़ा बहुत गलत किया है जो उनके मेन लीडर थे उनको मार के। तो इसके बाद से एक्सपर्ट का कहना था कि एक तरह से वायलेंस एंड मिलिट्री एस्केलेशन जैसी सिचुएशन बढ़ सकती है, जबकि देखा जाए तो यूएस ने अपनी मिलिट्री बढ़ा दी थी ईरान में, एंड बहुत सारे इश्यूज आ गए थे। तो जानते हैं आखिर ये एयर स्ट्राइक के पीछे रीजन क्या है, क्यों वो करना चाहते थे ये एयर स्ट्राइक, तो वो जानते हैं। कहा जाता है कि यूएस एम्बेसी में इराक को 13 दिसंबर को एक अटैक हुआ था, और उस अटैक का रीजन कतैब हेजबुल्ला मिलिशिया को माना जाता है, और ईरान ने इस अटैक का फेवर किया था। तो जो कतैब हिजबुल्ला है उन्हें एक तरह से एडवाइजर भी माना जाता है सुलेमानी का, तो जो यूएस था उसके बिल्कुल अगेंस्ट था, क्योंकि जो कतैब हिजबुल्ला है उसे फाउंडर भी माना जाता है अबू मेहदी अल मुहंदीज का। तो इन सबके अगेंस्ट था यूएस, जबकि ईरान ने इसे फेवर किया था, तो इसलिए ही यूएस का कहना था कि इसलिए भी एक रीजन था। और ये जो हेजबुल्ला है ये भी उस अटैक में मारे गए हैं सुलेमानी के साथ ही। अगर देखा जाए इन दोनों रिलेशंस की अगर हम बात करें, तो काफी टाइम से कॉपरेट भी करते आए हैं, लेकिन स्टिल उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। तो जो ये लॉन्गेस्ट एक्टिव यूएस नेशनल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है उसके पीछे एक रीजन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर को भी माना जाता है। 1979 में उन्होंने कुछ सेंक्शंस किए थे जिसके बाद से ही ये सिचुएशन थोड़ी खराब होती या काफी खराब होती चली गई। बट अगर यूएस इन्वॉल्वमेंट की बात माने तो 1953 से ही यूएस काफी इन्वॉल्व एंड एक्टिव रहा है ईरान में, चाहे उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, पॉलिटिकल रिलेशन हो, या मिलिट्री या न्यूक्लियर अगर हम पावर की बात करें तो यूएस का बहुत बड़ा रोल रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे तेहरान में 1953 में जो टैंक है वो स्ट्रीट में लोगों के बीच में है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इमरजेंसी जैसी सिचुएशन जो है ये आज से ही नहीं, 1953 यानी काफी पहले से है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो 1953 में द कूप मींस एक इवेंट, एक प्लान तैयार किया गया था यूएस ब्रिटिश एंड इंटेलिजेंस के थ्रू, जिन्होंने जो वहां के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम थे मोहम्मद मोसद्दगे, उनको हटाने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी उन्होंने प्ले की थी वहां पे। और जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे मीन शाह मोहम्मद रेजा पहलवी, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए इन्होंने ये कूप प्लान किया था।
अगर हम नेक्स्ट बात करें तो 1957 में न्यूक्लियर कॉपरेशन, जो कि आज की कंट्रोवर्शियल न्यूक्लियर प्रोग्राम का मेन रीजन माना जाता है, ये साइन किया गया था। ये इनिशिएटिव था बाय यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजन हावर के थ्रू। इन्होंने एक तरह से एग्रीमेंट साइन किया था ईरान के साथ कि जो सिविल यूजेस होंगे एटम्स के उनको कंट्रोल किया जाएगा। इसमें इसराइल और पाकिस्तान को भी इंक्लूड किया गया था। साथ ही उनका कहना था कि वो शेयर करेंगे उनकी जो टेक्नोलॉजी होगी और जो एजुकेशन होगी रिगार्डिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर अगली बात करें 1959 में न्यूक्लियर रिसर्च की, तो जो शाह पहलवी थे उन्होंने तेहरान में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर ओपन किया था और यूएस से मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट अगर बात करें 1967 के न्यूक्लियर मटेरियल्स की, तो यूएस ने ईरान को 5 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर एंड वीएफएन ग्रेड एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल प्रोवाइड किया था। अगली बात करते हैं 1968 की न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की, तो इसमें ईरान एक सिग्नेटरी बन गया था इस ट्रीटी का, जो कि नॉन प्रोलिफरेशन थी, एंड इसे रेटिफाई किया था 1970 में। इसमें एक कमिटमेंट किया गया था कि ईरान को परमिशन दे दी जाएगी सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की। तो आप देख सकते हैं जो शाह पहलवी वो एयरफोर्स के जनरल ऑफिसर से हैंडशेक कर रहे हैं और एक तरह से कमिटमेंट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच एक कमिटमेंट हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1963 से 73 के बीच में काफी मेजर ग्रोथ देखने को मिला ईरान में, एंड यूएस ने जब उनके बीच एक कमिटमेंट हो गया था तो यूएस ने ईरान में काफी रिसोर्सेस देने शुरू कर दिए थे और उसके मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो ईरान में एक मेजर कह सकते हैं कि ग्रोथ देखने को मिली थी 1960 एंड 70 के बीच में। साथ ही कहा जाता है कि 1972 में जो यूएस प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने वो शाह से मिले थे, उन्होंने यूएस की सिक्योरिटी की गारंटी उनसे ली थी। बट इसी बीच जो 1973 में एक अरब इजरायली वॉर हुआ था और उसमें उसकी वजह से जो ऑयल के प्राइसेस थे वो काफी बढ़ गए थे, तो एक इकोनॉमिक बूम देखने को मिला। इससे जो शाह थे वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे ईरान के, उन्होंने यूएस से हाई टेक वीएपन्स मंगवाने शुरू कर दिए। एक तरह से यूएस नहीं चाहता था बट स्टिल उन्हें ये उन्हें प्रोवाइड करने पड़े। अगर हम वैसे ही इन द बैकग्राउंड की अगर हम बात करें कि जो साथ ही दूसरी तरफ जो शाह और यूएस के अगेंस्ट थे, यानी एक तरह से ईरान और ईरान के लोग या जो ऑपोजिशन थे वो उनके पीछे से एक प्लानिंग बना रहे थे और आयतुल्ला रोहल्ला खमनी की के साथ एक प्लान बन रहा था और वो अपनी अपोजिशन को स्ट्रोंग कर रहे थे। एक तरह से ये रिलीजियस ऑपोजिशन थी जो कि 1964 में फोर्स में आई थी और ये सेटल इराक में सेटल हो चुके थे, एंड इन्होंने शाह और यूएस के अगेंस्ट एक अपनी जो भी हम कहे कि उनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी वो स्टार्ट कर दी थी। तो और वो ईरान में इराक में रहकर ही ईरान के लोगों तक अपनी जो इंफॉर्मेशन थी वो पहुंचाया करते थे। तो यूएस ने उस टाइम पे इस रिलीजियस ग्रुप को इतना सीरियसली नहीं लिया और जिसका नतीजा उन्हें आज देखने को मिला। अगर हम अगली बात करें तो सितंबर 8, 1978 को ब्लैक फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे उन्होंने जिलेहा स्क्वायर में डाउन टाउन तेहरान में जो उनके अगेंस्ट थे उनपे एक तरह से ओपनली फायर कर दिया था। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वहां पे मारे गए थे एंड एक तरह से जो यूएस था उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया था बाय कैंप डेविड समिट के थ्रू, एंड उसी टाइम पे अरब इजरायली वॉर भी देखने को मिला था और इसी की वजह से एक रेवोल्यूशन जैसी सिचुएशन वहां पे पैदा हो गई थी। अगर हम 1979 की बात करें, ईरानियन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो 1979 में शाह ने अनाउंस कर दिया था कि वो ईरान को छोड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने छोड़ते टाइम शाहपुर बख्तियार को ऑपोजिशन से एक प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया था, जिससे कि ईरानियन में एक जो प्रोटेस्ट था मास प्रोटेस्ट वो बढ़ गया था। तो फ्रांस से तब तक जो खोमैनी थे वो फ्रांस पहुंच गए थे, उन्होंने अपने प्लान लोगों तक पहुंचाने शुरू कर दिए थे और 1979 में मींस फरवरी ये
ये जनवरी में हुआ था जो मास रेवोल्यूशन हुआ था, ईरानी रेवोल्यूशन। उसके बाद ही फरवरी में उन्होंने जो खमनेई थे, विद इन अ वीक यानी शाह के जाते ही वो ईरान में वापस आ गए थे। और कहा जाता है कि उनके साथ मिलियन ऑफ क्राउड थे जिन, और उन्हें बहुत ज्यादा फेवर और सपोर्ट मिला था। उन्होंने आते ही जो ये रेवोल्यूशनरी थे, इन्होंने आते ही जो मिलिट्री मिनिस्ट्री एंड मीडिया थे उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया था। कहा जाता है एक बहुत ही पॉपुलर रेफरेंडम हुआ था, उसके तहत जो इस्लामिक रिपब्लिक थे ऑफ ईरान के, वो एक तरह से बिकम ऑफिशियल बन गए थे। तो आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद एक क्राइसिस हुआ था, ईरान होस्टेस क्राइसिस 1979 से 81 के बीच में, जिसमें एक ब्रूटल रेवोल्यूशन हुआ था। और उस ब्रूटल रेवोल्यूशन में यूएस के अगेंस्ट ईरान के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा अपने जो रिसेंट मैन थे वो दिखा रहे थे। तो उन्होंने जो यूएस के ऑफिसर्स थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएस एम्बेसी जो तेहरान में थी, उसके 66 अमेरिकन डिप्लोमेट एंड मैरिन को होस्टेस बना लिया था 4 नवंबर 1979 को। एक्चुअली ये मोबो स्टूडेंट थी जिन्होंने इन्हें होस्टेस बनाया था। तो जो खमनेई थे उन्होंने बैक किया था इन होस्टेस टेकर्स को, जिसमें से 13 छोड़ दिए गए थे, कुछ विमेन एंड अफ्रीकन अमेरिकन थे। एंड क्योंकि माना जाता था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो भी ऑपरेशन के शिकार रहे हैं अमेरिकन सोसाइटी के। इसके साथ ही जो स्टूडेंट थे उन्होंने डिमांड रखी थी कि वो शाह को वापस छोड़ दे, मतलब ईरान के हवाले कर दे, तभी वो इनको रिलीज करेंगे। लेकिन जो शाह थे वो, उनको हेल्थ इश्यू आए थे और वो वहां पे अपनी ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका ने उन्हें अलाउ कर दिया था। तो ईरान को डर था कि एक तरह से फिर से उनके बीच में कोई कॉन्स्पिरेसी होगी जो कि ईरान के अगेंस्ट होगी। तो इसी बीच जो कार्टर थे उन्होंने सेंक्शन इम्पोज किया था ईरान पे, एंड $12 बिलियन जो एसेट्स से ईरान के उन्हें फ्रीज कर दिया गया था। उन्होंने यूएन से भी अपील किया लेकिन इसे इंटरनेशनल लेवल पे कंडेम कर दिया गया। एंड 5 महीने के बाद जो एम्बेसी थी उसे सीज कर लिया गया था। तो कार्टर ने जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशन थे उन्हें तोड़ दिया था। एंड एक तरह से जितने भी रेस्क्यू थे, रेस्क्यू मिशन उन्होंने चलाए वो फेल हो गए थे, और उसकी वजह से ही जो 8 अमेरिकन क्रूमैन थे वो मारे गए थे। तो जनवरी 1981 में जो कार्टर थे उन्होंने अनाउंस किया कि यूएस ईरान एक एग्रीड पर सेटलमेंट करेंगे और जो होस्टेस क्राइसिस है उसे खत्म कर देंगे, और जो यूएस के जो ऑफिसर्स उन्होंने होस्टेस बनाए हैं उन्हें वापस कर देंगे। तो जो फाइनली जो अमेरिकन थे उन्हें वापस अमेरिका भेजने पर एक एग्रीमेंट हुआ था। और आफ्टर 440 डेज के बाद यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रियागन की, जब वो पावर में थे तो उस टाइम पे जो जो ऑफिसर्स थे उन्हें वापस भेजा गया था। नेक्स्ट अगर बात करें 1980 और 88 की, तो ईरान इराक वॉर हुआ था। आप जानते हैं सद्दाम हुसैन जिन्होंने, जो कि इराक के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, तो इराक एक तरह से जो खुद को पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसके तहत ही उन्होंने ये युद्ध किया था 1980 में। बट यूएस को डर था कि जो ईरान है वो जीत जाएगा, इसीलिए वो ईरान को हराने के लिए इराक को सपोर्ट करते रहे। और जो रियागन एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी जो रियागन उस टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो बगदाद को सपोर्ट करने के नाम पे उन्हें एक तरह से उन्हें इंटेलिजेंस एंड रिसोर्सेस प्रोवाइड करते रहे। वहीं इराक केमिकल वेपन्स यूज कर रहा था ईरान के अगेंस्ट, साथ ही कंडेम भी कर रहा था, लेकिन वहीं वो दूसरी तरफ सद्दाम हुसैन को काफी सपोर्ट किए जा रहे थे। तो एक तरह से ये जो इन दोनों के बीच, यानी इराक और ईरान वॉर भी जो है उसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है। अगर 1984 की बात करें, स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की अगर हम बात करें, तो यूएस ने डेजिग्नेट कर दिया था ईरान को अ स्टेट ऑफ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, की जो ईरान है वो टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहा है। तो इस तरह से उनके ऊपर से जितने भी सैंक्शन है वो
उनके ऊपर लगा देनी चाहिए काफी सैंक्शंस। साथ ही कहा जाता है कि सीआईए की डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो ईरान ने अटैक किया था यूएस पे, फ्रांस पे एंड अरब पे उस टाइम पे, तो उसे काफी फेवर मिला था। और जो यूएस एम्बेसी पर भी लेबनान में अटैक किया गया था उसे ईरानियन ने काफी सपोर्ट किया था एंड एक मेजर लेवल पे भी इसे सपोर्ट मिला था। साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल फोटो है इसमें ईरान कॉन्ट्रा अफेयर के अकॉर्डिंग इसमें जो मेंबर थे वो यूएस पायलट को अपना होस्टेस बनाकर या उन्हें साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो उनका उन्होंने शॉट डाउन कर दिया था उनके प्लेन को और ये अपने साथ लेके जा रहे थे। तो ईरान कॉन्ट्रा अफेयर हुआ था 1980 में, जो कि एक बहुत ही फेमस इंटरनेशनल पॉलिटिकल बैटल फील्ड मानी जाती है, जो उस टाइम पे यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रियगन की प्रेसिडेंसी में हुई थी। तो गाइस ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर हम इसमें बहुत कुछ कवर करेंगे, तो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे 1985-86 के ईरान कॉन्ट्रा अफेयर के बारे में कि आखिर ये ईरान कॉन्ट्रा अफेयर था क्या। तो इसके आगे काफी कुछ रहता है इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, तो हम उसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज बताइए कमेंट में, एंड अगर आपको ये पसंद आई है देन प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि इसका सेकंड पार्ट आते ही आपको पता लग सके। थैंक यू सो मच।